हमारे गांव का लड़का है, लगभग 6 से 7 साल पहले चला गया था, अब वो इस समय पलवाड़े मिला है और पलवाड़े उसको लेने के लिए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव बालका में मौजूद है और यहां पर हमारी टीम योगेंद्र के घर पर मौजूद है, जो योगेंद्र लगभग 4 साल पहले घर को छोड़कर चला गया था उसके घर पर हम मौजूद हैं, जिसमें हमारे गांव ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि योगेंद्र जिंदा है। अपने घर को छोड़कर वो चला गया था, लेकिन योगेंद्र के पिताजी भगवत सिंह वो कहते थे कि योगेंद्र अभी जिंदा है। आज वो योगेंद्र उनको मिल गया है, उन्हीं के घर पर हमारी टीम मौजूद है और हम उनसे बात कराएंगे। परिवार जो खुशी है, परिवार में जो खुशी है और पूरा गांव भी खुश है, परिवार भी खुश है और पूरा गांव खुश है। इस समय ऐसा समझो हमारे गांव में दीपावली मन रही है, क्योंकि योगेंद्र की खुशी बहुत बड़ी खुशी है और उनकी मम्मी से बात कराएंगे कितनी वो खुश है, क्योंकि उनका लाल लगभग 4 साल से घर से लापता था और कहाँ रहा, कैसा रहा, कैसी हालात में रहा योगेंद्र पता नहीं, उससे योगेंद्र से बात करेंगे अगर हो सके तो। योगेंद्र से भी कैसे हालात में उसने अपने ये 4 साल काटे और कैसे वो घर से छोड़कर गया, घर को छोड़कर गया था, सभी चीज की बात करेंगे। उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं और पूरा गांव में ऐसे समझो हमारे में दीपावली मन रही है। तो चलिए, हम उनके भैया हैं और उनकी माँ हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। धर्मवती जी, कैसे, कब योगेंद्र घर छोड़ के गया था? 4 साल हो गई, 8 तारीख को गया था, 8 तारीख पूस में गया था, यानी कि ठंड पड़ रही थी। इतनी ठंड में योगेंद्र घर से गया था कि हमको भी लग रहा था कि योगेंद्र अब बचेगा नहीं, क्योंकि योगेंद्र एक कमीज पहनकर गया था, सादा कमीज थी जो उसने पहन रखी थी, उसी को पहन के वो चला गया था, ठंड में गया था। तो योगेंद्र हमारा भी दोस्त था, हम भी कहते थे कि योगेंद्र मुश्किल बचेगा, लेकिन इन्होंने और इनके जो क्या नाम है, इनके जो पति हैं, उन्होंने ये कही कि योगेंद्र जिंदा है। हम कहते थे कि योगेंद्र इस दुनिया में नहीं है क्योंकि ठंड में गया था, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी, ये कहती रही माँ का कलेजा जानता है कि उनकी औलाद जिंदी है। तो ऐसा ही था ना, तो क्या 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 जी पे बीतती थी जैसे योगेंद्र की तुम्हें याद आती हो? रोना आवे हा। उनके पिताजी भी कहते थे कि मेरा लड़का जिंदा है, उनको भी कोई ऐसी बात नहीं है कि माँ को और उसको माँ को और पिता को पता पड़ जाती कि हमारा बेटा जिंदा है। तो हम अब पिताजी से बात कराएंगे, लेकिन अब कैसा माहौल है आपके, जैसे गांव के लोग आ रहे हैं देखने के लिए योगेंद्र को, खुश हो रहे हैं ना? तो हमें भी जैसे पता पड़ी, रात को पता पड़ी, तो हमने जाते टाइम की गाड़ी की वीडियो बनाई और हमें भी इतनी खुशी हुई कि मेरे शरीर का भी जो है ना रूह कांपने लगी, मैं कांपने लगा था जैसे मैंने सुनी कि योगेंद्र जिंदा है। खुशी एक ऐसी चीज होती है कि आदमी इतना खुश होता है कि कोई भूला बिछड़ा गांव से चला गया और गांव में आ रहा है, उससे बहुत खुशी होती है। यकीन मानो कि इतना मैं खुश हूं कि मेरे गांव का लड़का गांव में वापसी आया है और 4 साल में उसने कैसे अपने दिनचर्या कहां काटी, उसने दिनचर्या किस जगह काटी उसका कोई पता नहीं है, उससे योगेंद्र से हम बात कराएंगे। योगेंद्र देखो ये है बेटा, बाबू बैठ जा, देखो योगेंद्र ये है भैया। सबसे पहले अपना नाम बताएं। हेलो, नाम बताएं, नाम उधर देखो नाम। योगेंद्र जी आप कहाँ रहे थे? हम बालके। नहीं, आपसे पहले आप कहाँ रहे थे ये बता दे हमें। बाहर नोएडा। नोएडा, तो आप नोएडा में क्या काम करते थे ये बताएं। नोएडा में क्या काम करते थे? फोटो स्टेट के लैमिनेशन करते थे। रोटी आप कैसे खाते, रोटी खाने को मिल जाती थी? रोटी मिल जाती थी। किसके पास रहे थे अब तक? भारे नोएडा में रहे, चाचा के पास। चाचा के पास, चाचा के पास बता रहे हैं। घर की याद नहीं आई तुम्हें कभी? ना। क्यों, माँ बाप कभी तुम्हें याद नहीं आए? याद आए माँ बाप? तो हम इनसे ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि इनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन ऐसा ही है, क्योंकि घर से छोड़ के चले गए थे। अब इनके पिताजी हैं, देखो कितने खुश होकर नजर आ रहे हैं पिताजी को, विश्वास था का मेरा पुत्र जो आएगा घर पे वापसी, हम भी कहते थे कि आएगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। नाम भगवत। आपको पूरा यकीन था कि मेरा योगेंद्र घर वापसी आएगा? सबसे कहा आएगा, जरूर आएगा और आ गया। आ गया आ गया और पूरा गांव आ रहा है देखने के लिए? नहीं आ रहा,
मैंने तो सबसे यही कहा आएगा जरूर, चाहे 10 साल में आए। 10 साल में आए, क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति थी कि जिससे अनुमान होता था मेरा योगेंद्र? भगवान की बस मर्जी थी। ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा कभी योगेंद्र ने आपके थोड़ा कॉल करी हो? पहले की थी, 7 महीने जाने के 7 महीने बाद, 7 महीने बाद कॉल करी थी। और अब जो योगेंद्र मिला था ये कहाँ मिला था आपको? मिला पलवाड़े पसवाड़े। तो अब कैसे आपको जो इसने फोन कराया? योगेंद्र को नहीं फोन करा था, योगेंद्र ने फोन कराया के पापा मैं यहाँ पर हूँ। तो आप यहाँ से कैसे पहुँचे फिर? 4 पहिये गाड़ी ले गए हम। जब जब आप यहाँ से कैसे जने गए थे? लगभग 6 जने गए। 6 जने गए थे। जैसे आप यहाँ से वहाँ पहुँचे तो ये योगेंद्र आपको पहचान लिया था? योगेंद्र ने गाँव वालों ने ये पूछा कि तेरे पापा कौन से हैं इसमें जी? कि ये बैठे, ये बैठे तो, और ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे चाचा। तो वहाँ पे उन्होंने यकीन करवाया होगा कि तुम्हारा ही बेटा। फिर वो ये कह रहे थे कि मम्मी को क्यों नहीं लाए भाई? अच्छा मम्मी को लाते। अच्छा यार जब मैं ही हूँ तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी क्या करेगी? तो ये मतलब किसी घर पे बैठा रखे थे योगेंद्र? किसी ने रोटी खिला रहे? काय से रोटी खिलाई थी इनको? पता ना काय से खिलाई, आलू से खिलाई थी। आलू से रोटी खा रहे, ये खा रहे। इन्होंने तुरंत गांव वाले सब पहचान लिए अपने आप, सबको कहा ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे वो हैं। अच्छा तो कैसे दिल पे बीत रही होगी आपके पे खुशी? और अभी ऐसा आएगा पूरा गांव आपके योगेंद्र को देखने के लिए? देखने के लिए अभी तो रिश्तेदार भी आएंगे जो 4 साल में लौट के आया है। आपने हमने तो बिल्कुल 24 साल का बच्चा है। और क्या क्या आपने इसके इलाज के लिए क्या क्या झटके झेले हैं? मैं पता है बहुत बड़ी परेशानी झेली है आपने, और फिर भी घर छोड़ के ये चला गया और मामला ज्यादा ही खराब रहा। अब लेकिन ऊपर वाले के दिन है, आप आपके दिन खुश हो गए, उसी की माया है, उसी ने आपको दिन ऐसे दिखाए, उसी ने दे दिया। लेकिन ऐसा था जब भरी ठंड में निकल के गया था तो उम्मीद हमने भी खत्म कर दी थी। मैं तुमसे मैं इनसे कहता था कि अब योगेंद्र इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि भरी ठंड में भरे पाले में बिल्कुल सेट में बिल्कुल ऐसे ही निकल के गया था। तो मैं इनसे कहता था कि मैंने कि अब योगेंद्र नहीं, तो ये इनका कलेजा मिली नहीं, मेरा योगेंद्र जिंदा है, मेरा योगेंद्र मुझे मिलेगा। तो इनको विश्वास था और विश्वास ही आज इनकी जीत बनकर इनके सामने आया, इनका योगेंद्र इनके सामने आ गया है। तो खुशी है अब योगेंद्र जैसे घर पर आया तो आपने इसको रोटी क्या खवाया? मतलब रोटी तो वही खा के आया, अब नहीं खाई इसने? चाय पी। बर्ताव कैसा है इसका? मतलब बोल रहा कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा सबसे? खुश है, पहचाने खुश है अब घर में? अब योगेंद्र से तुमने पूछिए जरा कौन है? हाँ तो आ जाओ इधर को, आ जाओ। नहीं नहीं, तो ये आपके पिताजी हैं, तो आप घर में आप इस टाइम खुश हैं? खुश हैं? अब तो नहीं जाओगे घर छोड़कर? अब यहीं रहना है आपको, यहीं अपने पापा की और मम्मी की सेवा करनी है आपको, ठीक है? अच्छे से रहना, अच्छे से खाना। देखो तुम्हें कितनी पब्लिक यहाँ देखने के लिए आई है, तुम्हारी मोहब्बत है। आज पूरा गांव तुम्हें देख कर बड़ा खुश हो रहा है, हर आदमी तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, ठीक है? सही है, यहाँ आपकी वीडियो बन रही है। और अब इससे जो आप कहीं भी अगर निकल गए ना तो यहाँ से पहचान लिए जाओगे फलाने गांव का ये लड़का है। तो ये बालका गांव के है, इनका नाम योगेंद्र मीना है, ये 4 साल पहले यहाँ से निकल गए थे। तो अब इनको देखने के लिए पूरा हजम जुड़ा पाया, पूरा वीडियो इन्हें दिखा दें और उसके बाद में हम अपनी कवरेज को यहीं खत्म करते हैं। पूरे इनको इधर घुमा दो कैमरे को और दिखा दें। तो ये 4 साल में घर अपने लौट के आया अब, और देखिए पूरा गांव खुशी के मारे, ऐसा समझो हमारे इस गांव में दीपावली बन रही है। कोई लौट कर घर पे आने की बड़ी खुशी होती है, कोई भी हमारे गांव में सातों बिरादर इतनी खुश हो रही है योगेंद्र के मारे कि हाँ योगेंद्र हमारे घर आ चुका है। तो हम अपनी इस कवरेज को यही बंद करते हैं। और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलने। अपने आसपास की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें।